हेलो एवरीवन रोन ये है दिसंबर 2024 की लाफ्ट आरो रीडिंग आई एम वेरी सॉरी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग्स लेट हो गई वीकली भी नहीं अपलोड हो पाया एक्चुअली मैं पीछे बहुत ट्रैवल कर रही थी मुझे एल विजिट करना पड़ा अपनी सिस्टर को और अभी मैं इंडिया में हूँ आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल होती है ना टाइम जोन डिफरेंस की वजह से बड़ा हॉटपॉट हो जाता है इतना मैंने ट्राई किया कि मैं आपके लिए वीकली अपलोड कर दूँ आपका मंथली टाइम से जाए बट नहीं हो पाया एंड आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और अभी भी देखिए दिसंबर मंथ पूरा बाकी है आज फोर्थ दिसंबर है आपकी मंथली रीडिंग अपलोड हो गई है और बहुत जल्दी ईयरली रीडिंग्स भी अपलोड हो जाएंगी एंड आई एम कमिंग अप विद वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर 2025 सो स्टे ट्यून्ड और चलिए जी आपकी मंथली रीडिंग शुरू करते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा आपके पार्टनर की आपकी क्या एनर्जीज होंगी तो ये रीडिंग आपके लिए है और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहे वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशि हो आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो तो चलिए जी आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ़ कार्ड्स हैं फर्स्ट सेट ऑफ़ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ़ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है फाइव ऑफ कप्स रिवर्स और ये कार्ड कहता है पीछे कुछ टाइम से आप एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रह रहे होंगे अब देखिए रीज़न सब टॉर्स के लिए डिफ़र करेगा कुछ के लिए हो सकता है आपके आपसे कोई गलती हुई कुछ के लिए हो सकता है आपके पार्टनर से कोई गलती हुई जिसपे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे या फिर जो भी इश्यूज मसले थे अगेन आप उस पर ही ज़्यादा एनर्जी दे रहे थे यानी कि उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे एंड कहीं एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड फिर से मैं कहूँगी आपका रहता हुआ दिख रहा था किसी चीज़ को लेकर अफसोस कर रहे थे रिग्रेट कर रहे थे इमोशनली लो फील कर रहे थे और दिसंबर स्टार्टिंग में अपने आप को इन एनर्जी से आप बाहर निकाल रहे हैं या निकालना चाह रहे हैं कहीं ना जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में अच्छी हैं आप उन पर फोकस करना चाह रहे हैं कहीं फिर से मैं कहूँगी उन पर फ़ोकस करके उन पर वर्क करके आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाह रहे हैं एंड डीपर लेवल के लिए हार्ट का कार्ड भी कहीं रिकन्सीेशन की बात करता है फॉरगिवनेस की बात करता है कहीं बहुत एक पैशनेट बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज की बात करता है तो फिर से मैं कहूँगी दिसंबर स्टार्टिंग में एक लव केयर पैशन आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं कुछ अगर गलती पीछे उनसे हुई तो उसको भी आप फॉगिव करके उनके साथ रिकन्सीन करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को बेहतर करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं डीपर लेवल के लिए हाउस का कार्ड कहता है एक स्टेबिलिटी एक सिक्योरिटी एक कम्फर्ट एक लॉन्ग टर्म आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हुए दिख रहे हैं लेकिन कहीं यू you नो know, आपकी तरफ से इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं या फिर आप थोड़े से केयरलेस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं आप अपनी फ्रीडम को किसी भी लेवल पर यू नो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन एंड दिसंबर में आपकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आ रहा है आप अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं आप थोड़े से कॉशियस तो हो रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आप काफ़ी एफर्ट काफ़ी यू नो एक इनिशिएटिव्स भी अपने पार्टनर के लिए इस रिलेशनशिप के लिए लेते हुए दिख रहे हैं जो भी चैलेंजेस हैं उनको अप फ्रंट होके आप फाइट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो फिर से देखिए मैं आपकी एनर्जीज नेचुरल में बताऊँ कहीं दिसंबर स्टार्टिंग में एक माइंडसेट में शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है जो भी मसले इश्यूज़ हैं उनको रिजोल्व करना, है, करना, है, है, करना चाह रहे हैं सॉल्व करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं मिड दिसंबर में उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हुए दिख रहे हैं लेकिन एंड दिसंबर में हर प्रॉब्लम से हर चैलेंज से आप फाइट करके इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं तो दिसंबर स्टार्टिंग के लिए माउंटेन का कार्ड कहता है वो कुछ ऑब्स्टिकल्स वो कुछ अड़चने वो कुछ चैलेंजेस इस रिलेशनशिप में महसूस कर रहे हैं लेकिन कहीं देखिए दिसंबर स्टार्टिंग में उनकी एनर्जीज एस्केपिज्म वाली रहती हुई दिख रही हैं यानी कि वो अपफ्रंट होकर किसी भी चैलेंज को नहीं फेस करना चाह रहे हैं नहीं फेस कर रहे हैं कहीं चीज़ों से भागते हुए दिख रहे हैं अगेन देखिए दिसंबर स्टार्टिंग में उनकी भी ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरीके से नहीं लेना चाह रहे हैं थोड़े से मैनुपलेटिव हो रहे हैं या फिर कहीं यू you नो know, एक चीटिंग um, वाली एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं आप देखिए चीटिंग सबके लिए डिफर करेगी कई बारी हेल्दी मेनुपुलेशन होती है कई बड़ी अनहेल्दी मेनुपुलेशन होती है कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो मेनुपुलेट कर रहे हैं लेकिन उनके इंटेंशंस अच्छे हैं कुछ के लिए हो सकता है मेनुपुलेट करें इंटेंशन अच्छे नहीं हैं और कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए भी हो सकता है टॉरस उनको लग रहा है कि आप थोड़े से मेनुपुलेटिव हो रहे हैं हालांकि देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे फॉक्स का भी कार्ड है तो कहीं किसी तरीके की मेनुपुलेशन या तो उनकी तरफ से है या फिर वो आपकी तरफ से महसूस कर रहे हैं मिड दिसंबर के लिए रिंग एंड ईस ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं आपके साथ कमिटमेंट चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं शादी मैरिज इंगेजमेंट प्रपोजल सब कुछ चाह रहे हैं एक नई बिगनिंग आपके साथ इस रिलेशनशिप में वो करना चाह रहे हैं और नई बिगनिंग भी देखिए कहीं मैरिज इंगेजमेंट इन ही यू uh, नो you know, चाहते हुए वो दिख रहे हैं लेकिन कहीं उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं या फिर उस तरीके से वो इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं इमोशनली मिड दिसंबर में वो लो फील करते हुए दिख रहे हैं बहुत एक हैप्पी एनर्जीज़ में वो मिड दिसंबर में या दिसंबर मंथ में उस तरीके से इस रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं रहते हुए दिख रहे हैं एंड दिसंबर के लिए या तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई एफ़र्ट मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कोई फ़ायदा नहीं होगा या फिर एफर्ट मेहनत करना ही नहीं चाह रहे हैं और फिर से डीपर लेवल के लिए फॉक्स का कार्ड कहता है थोड़े से मेनुपुलेटिव या तो वो हो रहे हैं या फिर उनको ऐसा लग रहा है आप मेनुपुलेट कर रहे हैं और कहीं एक ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के बीच में किसी भी रीज़न की वजह से नहीं रहती हुई दिख रही है अब देखते हैं टॉरस की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है तो दिसंबर स्टार्टिंग के लिए पेज ऑफ सोल्स रिवर्स का कार्ड का कहता है आप दोनों में से किसी एक की इमेच्योर एनर्जीज हैं आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है टॉरस क्योंकि आपके लिए यहाँ पे द फूल रिवर्स का कार्ड है और आप दोनों में से कोई एक काफ़ी ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हैं कहीं माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं और ट्री का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कमिटमेंट चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इस रिलेशनशिप को चाह रहे हैं लेकिन कहीं मिड दिसंबर के लिए राइडर का कार्ड कहता है चीज़ें बहुत इन एंड आउट होती हुई दिख रही हैं यानी कि आप दोनों में से कोई एक ना तो पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं ना ही पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप से बाहर जा रहे हैं कहीं फिर से मैं कहूँगी एक स्टेबिलिटी मिड दिसंबर में या दिसंबर मंथ में नहीं रहती हुई दिख रही है किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है बहुत प्यार आप दोनों के बीच में है लेकिन कहीं एक्सप्रेस उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या फिर साथ ही साथ मिसिंग फीलिंग है या किसी भी लेवल के ब्लॉकेजेस रहते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के लव के बीच में और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी राइडर का कार्ड कहता है एक नई सिचुएशन या तो आ रही है या फिर आप दोनों लाना चाह रहे हैं और कहीं एक स्टेबिलिटी नहीं रहती हुई दिख रही है एंड दिसंबर के लिए स्प्रिट एंड नाइन ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स अगेन कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के लिए ये रिलेशनशिप वो एक विश है वो एक डिज़ायर है जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बहुत प्यार बहुत मोहब्बत एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं लेकिन क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो कहीं किसी भी तरीके के इश्यूज मसले रह सकते हैं उस तरीके से चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट हो रही हैं स्प्रिट का कार्ड कहता है किसी तरीके की डीपर लेवल के लिए एक रियलाइजेशन रह रही है एक एहसास रह रहा है और किसी तरीके के मेराकल्स या किसी तरीके का एक मैजिक आप दोनों ही चाह रहे हैं जिससे कि चीज़ें ठीक हो जाएँ जिससे कि आप दोनों लॉन्ग टर्म के लिए एक दूसरे के साथ हो जाएं तो कहीं देखिए एंड दिसंबर इतना ख़राब नहीं जाता हुआ दिख रहा है या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ एंड दिसंबर में किसी भी लेवल पर वैन से किसी भी लेवल पर मतलब बहुत ही चाहे छोटे मोटे लेवल पर चीज़ें ठीक हो रही हैं या ठीक होने के डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं तो ये थाट और आप लोगों के लिए दिसंबर 2024 की लेफ्ट आरो रीडिंग और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें